हेलो गाइस गाइस, आज की स्टोरी में हम चेक करने वाले हैं रिले को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है डीसी रिले यहाँ पे रखे हुए हैं। वैसे तो गाइस रिले जो है एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे डीसी रिले रखे हुए हैं। और अगर आपको जानना है बारीकी से कि ये जो है कैसे काम करते हैं और ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप जो है ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको जो है हर तरह के रिले के बारे में बताया। पर गाइस आज की स्टोरी में हम जो है मल्टीमीटर की सहायता से इनको जो है इजीली चेक करने वाले हैं कि रिले जो है सही है या फिर बेकार है। गाइस जैसे मान लीजिए आपको कोई रिले से रिलेटेड कोई सर्किट बनाना है और आप चाहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि मेरा जो रिले है वो खराब है या फिर सही है, तो आप इसकी मदद से इजीली जान सकते हैं। अगर आपको गाइस ये मल्टीमीटर यहाँ पे यूज करना आता है तो आप जो है इजीली इसको जान सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का भी। मैंने जो है इस वीडियो में पूरा मल्टीमीटर समझाया है और सारे इनके फंक्शंस के बारे में बताया है। अगर आपको जाननी है तो आप जो है आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम जो है सिंपल स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम इनको किस तरह से चेक इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज मेरे पास यहाँ पे काफी सारे रिले जो है रखे हुए हैं। पर गाइज ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट में भी रिले यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है गाइज अलग अलग वोल्ट्स के आते हैं। डीसी 6 वोल्ट का है मेरे पास और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है ये 12 वोल्ट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये जो है मेरे पास ये भी 12 वोल्ट का ही रिले है, ठीक है। ये 5 वोल्ट में भी आते हैं। चलिए हम इनको सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर इनको किस तरह से देखेंगे कि ये सही है या फिर ये बेकार हो चुके हैं। चलिए मैं जो है एक बार इस पीसीबी को जो है अलग रख देता हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप पीसीबी में लगे हुए रिले को चेक करते हैं तो और कोई कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है, यानी आप जो है उसको इजीली चेक नहीं कर पाएंगे। पर हम जो है इनको यहाँ पे सिंगल ही चेक यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इनको 3 स्टेप में क्लियर कर लेंगे कि ये जो है जो आपका रिले है वो अभी सही है या फिर बेकार है, ठीक है। चलिए मैं जो है सिंपल यहाँ पे एक रिले यहाँ पे उठा लेता हूँ। चलिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला रिले मैं जो है यहाँ से उठा लेता हूँ, इनको मैं इधर रखता हूँ और यहाँ पे जो अपना मल्टीमीटर यहाँ पे सिंपल लेके आ जाता हूँ। इसके नीचे एक मिनट में निकाल लगा देता हूँ जिससे आपको जो है प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे जो है रिले में 5 पॉइंट आपको दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है एक बीच में जो है पॉइंट्स दिया जाता है, ठीक है। सारी चीजों के बारे में बताऊंगा अभी, ओनली 3 स्टेप में हम जो है इस रिले को पूरा चेक कर लेंगे इजिली। चलिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे अपना लेने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि हमारा जो है एक स्टेप में जो हमारा रिले है वो चेक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, यानी जो है क्लियर निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता। सबसे पहले हम जो है इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें एक कोयल लगी रहती है जिस वो जो है कट ऑफ होती रहती है, जिससे आपका जो सर्किट है वो ऑन ऑफ होता रहता है। इसलिए हम जो है इसको ऑटोमेटिक के लिए यूज करते हैं रिले को, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं जो है अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं भी आता है तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, इसको बजर भी बोला जाता है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, ये जो इनकी दोनों प्रोब्स है, ठीक है, आप मान लीजिए एक रेड प्रोब है और एक ब्लैक प्रोब है, ठीक है। अब आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहला टर्मिनल ये है और दूसरा ये है, ठीक है। मैं आपको ऐसे इजीली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपर, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है इन दोनों टर्मिनल्स को ले लेना है, क्योंकि इनमें जो है एक कोइल रहती है जिससे ये स्विचिंग होती है इसकी, ठीक है, मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसको यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो है इसको यहाँ पे एक बार इस प्रोब को यहाँ पे लगाता हूँ और इसको जो है सिंपल यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर ने जो है गाइस यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी दे दी है। तो मान लीजिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका जो रिले है वो यहाँ पे अभी आपके जो रिले की कोइल है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है और आपके रिले में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जो है दूसरा स्टेप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे ये बीच वाला जो है, ठीक है, बीच वाला टर्मिनल जो है इसका और यहाँ पे इसका जो साइड वाला टर्मिनल है, हम इन दोनों को चेक करने वाले हैं कि इनमें जो है कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। अगर इसमें कंटिन्यूटी आती है तो आपका जो रिले है वो खराब है और अगर नहीं आती है तो आपका रिले सही है, ठीक है। आप जो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं जो है एक बार से चेक करके दिखाता हूँ आपको। बीच वाले पे लगाता हूँ मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसको साइड वाले पे लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं इसमें जो है कोई कंटिन्यूटी अभी फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। आप जो है इजिली देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी इससे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है अंदर से जॉइंट नहीं होते हैं। पर गाइस ये वाला जो पॉइंट है इसका और ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, और अगर इसमें से कंटिन्यूटी आती है तो मान लीजिए आपका जो रिले है वो पूरा परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं जो है एक बार इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इस पे लगा दिया और यहाँ पे जो है इस पे लगाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है हमें बीप की साउंड दे दी है, हमें जो है इसने कंटिन्यूटी दिखा दी है। तो आपका जो रिले है वो 3 स्टेप में आप इजीली इसको चेक यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने देख लिया इस तरह से। आप जो है सबसे पहले आपको जो है कोइल चेक करनी है कि कोइल अंदर से जो है ब्रेक तो नहीं हो गई है। फिर दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, इससे और इससे यहाँ पे जो है आपको सिंपल ये चेक करना है कि इसमें जो है कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपका रिले खराब है और अगर नहीं आ रही है तो सही है, ठीक है। चलिए और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बीच वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट को आपको यहां से चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको चेक करेंगे और कंटिन्यूटी आ रही है तो परफेक्ट है आपका रिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक बार मैं दूसरा रिले आपको यहां पे चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। अभी मेरे पास यहां पे वाला जो है 12 वोल्ट वाला ले लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है। चलिए मैं जो है इसको एक बार इसकी सबसे पहले कॉइल चेक करता हूं मैं यहां पे।
इस पे लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस पे मैं इसको लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास यहाँ पे इसमें भी ये जो है कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो कोयल है वो इसकी सही है। और चलिए दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, बीच वाले पे लगाते हैं और इधर वाले पे लगाते हैं कि इसमें देखते हैं कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इसमें भी कंटिन्यूटी जो है नहीं आ रही है। और अब मैं अगर इस पे लगाता हूँ तो इस पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं इस तरह से आप जो है इसे तीन स्टेप में ओनली अपने जो रिले है उसको आप इजीली चेक यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस मेरे पास जो है यहाँ पे कई तरह के रिले नहीं है। वैसे तो गाइस यहाँ पे एक व्हाइट कलर में भी आते हैं जिसमें आपको जो है अंदर से वाइंडिंग भी दिखाई जाती है, वो गाइस मेरे पास नहीं है। उसके लिए सॉरी, अगर आपके पास है तो आप प्लीज एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं भी उसके लिए लेके आऊंगा दूसरा, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो मैंने जो है इसी के ही इन्हीं को ही चेक करके दिखा दिया है। और ये जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं बेसिक सर्किट्स में, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से आप जो है अपने रिले को चेक कर सकते हैं और अपने सर्किट को पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। और गाइज एक बात और, अगर आपको कोई और कंपोनेंट चेक करना नहीं आता है तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आपको कंपोनेंट नहीं आता चेक करना, वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप वन बाय वन जाके उसको देख सकते हैं। पर फिर भी आपको अगर कोई सवाल है अभी तो आप जो है प्लीज एक बार नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि भाई ये इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं जो है 100% उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि गाइज मैं जो है अपने चैनल पे यहाँ पे हमेशा लोगों के ही सुनता हूँ, यहाँ पे जो है अपने ही नहीं करता हूँ। ये जो है मुझसे पूछा गया था कि भाई रिले को चेक करके दिखाए, तो मैंने यहाँ पे जो है इसकी वीडियो बना दी है। तो गाइस इस तरह से आपने भी देख ली और उस भाई का भी भला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है गाइस इस तरह से अपनी जो है रिले को चेक कर सकते हैं। और अगर गाइस और कोई सा कंपोनेंट है आपके पास जिसको आपको चेक करना है तो आप जो है उसको यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को विजिट जरूर कर लेना, काफी सारे कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।